अगर आप भोर में उठ के मील बना रहे हैं तो भुक्खड़ हैं आप। भोर में अकेले आओगे तो किचन ऐसा ही देखने को मिलेगा। पर मुझे किचन से क्या मतलब, मैं अपना बना के खा के निकलूंगा कि पनीर खा के तुरंत ऊपर भाग जाना ही सही था। और ये है सुबह की पहली मील, मूसली। मूसली आप जानते होंगे। और भैया अपनी अलग ही यहाँ पे डिश बना रहे हैं। हलवाई की दुकान देखेंगे, हलवाई की दुकान उधर ही है। मांडा से हम लोग निकले हैं माड़ा की तरफ। ये है विपुल भैया। अब मांडा और माड़ा में क्या फ़र्क है, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत को नहीं। ना मिली तो कह दे पलटा पलटा रखा तो बाबा दे ये ना हो हम लगता है ये सब नो रखे हैं ना दे। काफ़ी चौराहे गलियों में घूमने के बाद मुझे फाइनली अपने दोस्त की दुकान मिल जाती है। सही समय पे आइए, चेहरा दिखा रहे ये देखिए सब आदमी। धंधा बड़ा हो या छोटा, मेहनत हर जगह होती है। और आप देख सकते हैं मेरा ये दोस्त वैसे भी काफ़ी पैसे कमाता है। आदित्य जी हमारे पनीर देते हुए गलती हो गया। अगर डेयरी पे आएंगे तो आपको खाने के लिए पनीर ही मिलेगा, यहाँ गुलाब जामुन नहीं मिलेगा। और ये है चिलबिला की फास्ट फूड की एकमात्र दुकान। देख रहे हैं इतनी भीड़ है यहाँ पे, बनाने के लिए दो दो लोग खड़े हैं। वीडियो क्या बनाते जैसे आज है विराट कोहली का बर्थडे और विराट कोहली सेंचुरी भी मारने वाला है। अब ये पता नहीं क्या मिल गया है। आज तो मम्मी का बर्थडे है, आज कुछ भी हो जाए आज मम्मी को गिफ्ट देना ही है, देना है। इसीलिए उठते ही पहले दाढ़ी बाल बनवा लिया हूँ मैं। तो मम्मी को ऐसा क्या गिफ्ट दिया जाए जो मेरे भी काम में आए। तो तैयार होके अब निकलता हूँ मैं मार्केट की ओर। ये मैं लोअर वियर है मेरा, इसको धुलने के लिए रखने जा रहा हूँ। पर मुझे इसी से एक आइडिया आता है, और वो आइडिया क्या है आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। फिर मैं गांव में निकलता हूँ अपने दोस्त को लिवाने के लिए। गांव का माहौल, मौसम काफ़ी मस्त है। ये हमारे गांव का जीटी रोड है, इतनी बढ़िया रोड आपको बता दूं कहीं हाईवे पे भी नहीं मिलेगी। गांव का ये भयानक रास्ता देख रहे हैं, भयानक ड्राइवर के साथ। क्या अभी फिलहाल बाइक से जा रहे हैं क्योंकि कोई आइडिया नहीं है कि कार में वो एडजस्ट हो पाएगा कि नहीं यार। तो इसलिए पहले बाइक से जाते हैं, सारी डिटेल लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो हम निकल चुके हैं मार्केट की ओर। और आ गए हैं हम अपनी मंजिल की ओर। हावेल्स का यह छोटा सा स्टोर है क्योंकि आप देख रहे हैं। अब गाड़ी ऑनलाइन ट्रांसफर करने पे या ऑनलाइन पेमेंट करने पे, ट्रांजेक्शन्स पे उतने दुख नहीं होता है जितना यार पैसा हाथ में गिनने पे होता है। इतना पैसा देने में काफ़ी परेशानी हो तो रही है, बट क्या करें। पैसा हाथ में रहे और बार बार मैं उसके गिनता न रहूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो फाइनली बिल आ गया है हाथ में अपने, 12,460 का बिल बन चुका है। क्या चीज़ है ये देखिए आप।
आपको समझ में आया तो बताइएगा। विंक थोड़ा ऐसा नहीं हुआ बाबा। इसके बाद हम TVS की एजेंसी पे आते हैं कुछ जानकारी लेने के लिए, बट हमें कुछ समझ नहीं। देखिए कौन सी गाड़ी में हम लोग बैठ के जा रहे हैं। ऑटो मिला है तो जिनकी अंकल जी की दुकान है उनका गोडाउन रोड के उस साइड है, इसलिए हमने गाड़ी उस साइड पार्क की है और दुकान उनका यहाँ पे है। रोड के उस साइड आने के बाद हम लोग ऑटो अब उनके गैराज के पास लेके जाएंगे। तो वॉशिंग मशीन आ गया है अपने हाथ, घर पहुँचने वाले हैं, देखते हैं घर पे क्या होता है रिएक्शन। हमारे साथ अमन भाई भी है। आ गए वॉशिंग मशीन लेके, देखिए घर पहुँचेंगे, घर पहुँचेंगे तब पता चलेगा क्या रिएक्शन रहता है। यार देखो यार नहीं रख रही, ले चला चला ही चला अंदर, शटर खोली आराम से, आराम से वजन हो तो आराम से रख दिया। कहा हमें बताओ, कैसे पता वॉशिंग मशीन है, कहाँ दिखाता है, खोला है क्या, ढक्कन है वेरी गुड, सही बा, तब ठीक भाई। हाँ हाँ देख लो सेमी ऑटोमेटिक ही है। घर में दिवाली की साफ सफाई चल रही है इसलिए काफी फैला हुआ है घर, थोड़ा S22 अल्ट्रा का मजा भी ले लिया जाए। जिंदगी और जज्बात से मजाक करने वाला मोबाइल मिल चुका है हमको।